हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है हेलो टून कबूतर चैनल पर। तो दोस्तों, अपने कबूतर खुले हुए हैं और मौसम तो हो ही रहा है ख़राब, लेकिन शुक्र है कि बारिश वगैरह नहीं आ रही, तो ये भी एक अच्छा है। और भाई लड़ैया भी करवा दिए, एक हाथ तो लड़ैया हो ही गई है अपने कबूतरों की, और दूसरे हाथ पे देखते हैं। अबे दूसरा हाथ है, लहराता हुआ कबूतर। और ये भाई लड़ैया के लिए अपना कबूतर भागे जा रहे हैं, तो वहां बगल वालों से लड़ा रहे हैं, तो लड़ैया तो हुई नहीं। तो कबूतर अपना पलट गया। तो चलेगा भाई, पलटा मारेगा तो जाएगा कबूतर अपना आगे को। तो भाई लड़ैया तो हुई नहीं, और देखेंगे भाई दूसरे तीसरे हाथ पे देखते हैं कबूतर कैसे चलता है अपना। तो हमारा कबूतर जो है भाई गर्म होने में टाइम लेता है, जब तक ये गर्म होता है इसके बाद सामने वाले भी भाई थोड़ा फिर तावे पे भी आ जाते हैं यार। तो अपना कबूतर में थोड़ी कमी सी भी है ना, कम से कम 15-20 मिनट गर्म होने में लेता भाई अपना कबूतर। और एक बार गर्म हो जाता फिर रुकता नहीं, हर हाथ जाता लड़ैया के लिए। जोर तो पूरा मार रहा था कबूतरों ने, लेकिन ऊपर नीचे रह गए कबूतर और लड़ैया हो नहीं पाई। और अभी तो अपने भाई 3-4 गर्दान भी नहीं खुले हुए हैं, एक तो अपना लाल गंडेदार, एक काली नफ्ती और एक अपना भवरा, और एक कबूतर और है सफ़ेद भाई। एक अपना सफ़ेद भी नहीं खुला हुआ क्योंकि खुरेज पे हैं और पर वगैरह आ रहे हैं कबूतरों के। तो भाई कबूतर खोल दिए हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी और कैमरे पे भी बारिश की छींटें आ चुकी हैं। और बारिश में तो भाई लड़ैया हो ही करानी नहीं चाहिए, कबूतर गिर सकता है। छोटी मोटी बारिशें पड़नी शुरू हो गई हैं, तो कबूतर सारे खोल लिए हैं और अब दाना वगैरह कराते हैं। बस एक ही हाथ हो पाया भाई लड़ैया का, ऐसे ही रहता भाई रोज डेली का, मतलब पता नहीं क्या होता, मौसम एकदम बिगड़ जाता है बिल्कुल ही। और बारिश में क्या लड़ैया कराएं भाई, गोल करके भाई ने इनका दाना कराते हैं। तो अपना जो ये कबूतर है ना, थोड़ा सा भाई ढीला भी हो रहा है, और भाई तो भाई अपने जो 3-4 गर्दान है वो खुल भी नहीं रहते, और अपने पट्टे वगैरह भाई हम लड़ाने ही लग रहे हैं, और भाई बारिश आ रही है कैमरा नीचे। और ये भवरा भी भाई अपना थोड़ा सा ऐसी हो रहा है, और पर वगैरह खुरेज पे भी, और थोड़ा नरम भी हो गया है। इसको भाई दे रहे हैं दवाई वगैरह, ठीक कर रहे हैं, और बहुत आलिशान हो जिसे कहो, बहुत ही मतलब गजब का कबूतर है। तो अपना नया कबूतर लड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया कबूतर है भाई। और बारिश भाई धीरे धीरे तेज होती जा रही है, आओ तो भाई ने डल्ला है जी चिकनावा, ये देख सकते हैं पूरी बारिश भी आ रही है। भाई सही मौसम हो रखा था, और पहला हाथ ही हो पाया लड़ैया का, और इतने में बारिश आ गई दूसरे हाथ पे। दूसरा हाथ तो लड़ा नहीं, तीसरे की सोच रहे थे, इतने में भाई बारिश आ गई। आप देख सकते हैं छींटे पड़नी शुरू हो गई हैं, और अभी ने डाल दिया चिकनावा। अभी ने थोड़ा सा वैसी चिकनावा दे दे के थोड़ा सेट करेंगे कबूतरों को, 10-15 दिन बाद और बीत जाएं, कैसे भी करके 15 दिन और या महीना भर ही समझ लो। मैंने आपसे कह ही रखा था महीना भर ही लगेगा भाई कबूतरों को सेट होने में।
और अभी ना चिकनावे डलेंगे ना तो और अच्छे हो जाएंगे और उमंग पे आ जाएंगे, स्ट्रोंग हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो भाई बारिश हो गई है तेज, तो भाई मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे स्टॉप।